धागे का बंधन। अनुशीलनी प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न आई, कौन सा धागा स्नेह का धागा होता है? उत्तर, राखी का धागा स्नेह का धागा होता है। प्रश्न डबल आई, कौन जान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करता है? उत्तर, भाई जान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करता है। प्रश्न ट्रिपल आई, कौन हारना नहीं जानते? मेवाड़ के आदिवासी हारना नहीं जानते। प्रश्न आई भी, मेवाड़ की महारानी का नाम क्या था? उत्तर, मेवाड़ की महारानी का नाम कर्मावती था। प्रश्न भी, रानी ने किसके हाथ राखी भेजी? उत्तर, रानी ने एक दूत के हाथ राखी भेजी। प्रश्न भी आई, जहर करना किसकी परंपरा है? उत्तर, जहर करना राजस्थान की क्षेत्र परंपरा है। प्रश्न भी डबल आई, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका, यहाँ कौन किसकी रक्षा ना कर सका? उत्तर, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका, यहाँ दिल्ली के बादशाह हुमायूं मेवाड़ की रानी कर्मवती की रक्षा ना कर सका। प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न आई, राखी पूर्णिमा के दिन भाई बहन क्या करते हैं? उत्तर, राखी पूर्णिमा के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई के मुंह में मिठाई भर देती है। भाई भी बहन को हर मुसीबत से रक्षा करने का वचन देता है। प्रश्न डबल आई, अहमद शाह के पहले हमले का परिणाम क्या हुआ? उत्तर, अहमद शाह के पहले हमले का परिणाम स्वरूप मेवाड़ के राजा ने वीरगति पाई। प्रश्न ट्रिपल आई, अपनी कमजोरी का ख्याल करके कर्मवती ने क्या किया? उत्तर, अपनी कमजोरी का ख्याल करके कर्मवती ने एक दूत के हाथ दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। प्रश्न आई भी, राखी मिलने पर हुमायूं ने दूत से क्या कहा? उत्तर, राखी मिलने पर हुमायूं ने दूत से कहा कि सैनिक बहन कर्मवती से कहना कि उनकी राखी मिली, मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ, उन्होंने मुझे भाई माना। अब कहो, मेरी बहन का सब कुशल मंगल है ना? प्रश्न भी, दूत से मेवाड़ का हाल सुनकर हुमायूं ने क्या किया? उत्तर, दूत से मेवाड़ का हाल सुनकर हुमायूं ने फौरन अपने सेनापति को सेना के साथ मेवाड़ के लिए कुछ करने का हुक्म दिया। प्रश्न भी आई, सैन्य शक्ति को कमजोर देखकर कर्मवती ने क्या किया? उत्तर, सैन्य शक्ति को कमजोर देखकर कर्मवती ने जोहर किया। प्रश्न भी डबल आई,
हुमायूं ने कसम खाकर क्या कहा? उत्तर, हुमायूं ने कसम खाकर कहा कि अब मेबार पर कोई भी आग उठाकर नहीं देख सकता। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न आई, बटा हुआ धागा कैसे टूट सकता है? उत्तर, बटा हुआ धागा झटका देने से टूट सकता है। प्रश्न डबल आई, कौन सा धागा कभी नहीं टूटता? उत्तर, स्नेह का धागा कभी नहीं टूटता। प्रश्न ट्रिपल आई, मेबार किस राज्य में है? उत्तर, मेबार राजस्थान राज्य में है। प्रश्न आई भी, मेबार के राणा की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर, मेबार के राणा की पत्नी का नाम कर्मवती था। प्रश्न भी, हुमायूं कहाँ के बादशाह थे? उत्तर, हुमायूं दिल्ली के बादशाह थे। प्रश्न भी आई, कर्मवती ने हुमायूं के लिए क्या भेजा? उत्तर, कर्मवती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी। प्रश्न भी डबल आई, हुमायूं ने अपने सेनापति को क्या हुक्म दिया? उत्तर, हुमायूं ने फौरन अपने सेनापति को सेना के साथ मेवाड़ के लिए कुछ करने का हुक्म दिया। प्रश्न भी ट्रिपल आई, हुमायूं के आने की खबर पाकर दुश्मन ने क्या किया? उत्तर, हुमायूं के आने की खबर पाकर दुश्मन ने 9-2-11 हो गया। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्दों से शून्य स्थानों को भरिए। आई, भाई बहन के लिए डेस लगता है, जानकी बाजी प्राणों का बलिदान। सही जवाब होगा भाई बहन के लिए जानकी बाजी लगाता है। डबल आई, हुमायूं डैश था, तुर्क मुगल था। ट्रिपल आई, दुश्मन डैश हो गए, 1-2-3 9-2-11 हो गए। आई वी, डैश ने मेवाड़ पर हमला किया, अहमद ने मेवाड़ पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। भाईजान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करता है क्योंकि बहन बदले में उसे रुपए देती है, बहन भाई के हाथ में स्नेह से राखी बांधती है, बहन से वह बहुत डरता है, यह ना करने से लोग बुरा मानेंगे। सही जवाब होगा डबल आई, बहन भाई के हाथ में स्नेह से राखी बांधती है। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। ख, कर्मवती हुमायूं को राखी भेजती है क्योंकि आई, कर्मवती बहन के रूप में हुमायूं से सहायता चाहती है। डबल आई, मुगल बादशाह हुमायूं से कर्मवती डरती थी। ट्रिपल आई, हुमायूं को राखी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आई वी, बदले में कर्मवती हुमायूं से मिठाई पाना चाहती थी। इसका सही जवाब होगा आई। ग, मेवाड़ की सभी रानियों ने कर्मवती के साथ मिलकर जौहर किया क्योंकि आई, कर्मवती को हुमायूं ने सहायता नहीं की। डबल आई, रानी की हार हो गई थी। ट्रिपल आई, कर्मवती अहमद शाह को डर
डरा देना चाहती थी आईवी। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह राजस्थान की क्षेत्र परंपरा है। सही आंसर है आईवी। भाषा कार्य, खिल उठना, प्रसन्न होना, कुछ करना, युद्ध करने के लिए निकलना, वीरगति को प्राप्त होना, युद्ध में मृत्यु होना, 9-2-11 होना, भाग जाना, आग उठाना, आक्रमण करना, सब मुहावरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर लिखे मुहावरों के सही रूप लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। आई, मेवाड़ के राजा डैश मुहावरो होगा, मेवाड़ के राजा ने बीरगति पाई, डबलाई हिमायू राखी देखकर खिल उठा, ट्रिपल आई हिमायू ने मेवाड़ के लिए कुछ करने का हुक्म दिया, आई भी जो भी भारत की ओर डैश हम उसे नहीं छोड़ेंगे, आग उठाकर देखे, भी पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। मूल वाक्य राजा बीरगति पाता है, परिवर्तित वाक्य राजा ने बीरगति पाई, मूल वाक्य बदूर से कहता है, परिवर्तित वाक्य होगा उसने दूर से कहा, वह मुझे भाई मानती है, मूल वाक्य परिवर्तित वाक्य होगा उसने मुझे भाई माना, मूल वाक्य दूत हाल बता देता है, परिवर्तित वाक्य दूत ने हाल बताया, मूल वाक्य चीता के पास खड़े होकर वह कहता है, परिवर्तित वाक्य चीता के पास खड़े होकर उसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे क विभाग के विशेषण साथ ख विभाग के विशेषणों संज्ञाओं का मिलन कीजिए। मिलन करो, कमजोर के साथ स्नेह शक्ति, अपनी कमजोरी पाक रिश्ते प्यारी बहन कई दिन, मिलन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए गए परसर्गों से खाली जगह भरिए। आई, स्नेह का धागा आसानी डैश टूटता नहीं, स्नेह का धागा